आज मैं आपको पटल की बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाना बता रही हूँ। आप इसे हमारी तरीके से बनाएं, ये बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होगी। एक कढ़ाई लिया मैंने, थोड़ी सी मैंने ऑयल डाली है, उसके बाद मैं पटल को उसमें डाल दिया। पटल को मैं एक पटल को हल्का छील के उसे चार टुकड़े में करके उसके बाद मैंने इसे में लिया है और उसे मैं अच्छी तरह से इसमें भून लूँगी। हल्का हमारा ब्राउन हो जाएगा पटल, देखिए अच्छी तरह से भुन गया है। फिर मैंने पटल निकाल लिया, उसके बाद मैंने थोड़ा सा तेल और डाला और उसमें मैं प्याज को, मैंने चार प्याज लिया है मीडियम साइज़ का, और उसी में अदरक लहसुन का पेस्ट डाला मैंने और इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी। अब मैं इसमें थोड़ी सी नमक डालूँगी ताकि इससे हमारा प्याज जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। इसके लिए मैं इसमें थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए मैं इसमें ढक्कन लगा दूंगी। उसके बाद मैं देखूंगी, हो सकता है हमारा जो प्याज है वो गल गया हो, नहीं गला हो तो थोड़ी देर और आप ढक के गला लें। देखिए ये प्याज लगभग गल गया है और थोड़ी बहुत कसर रह गई है, तो मैं और 1 मिनट से ढक के अच्छी तरह से गला लूँगी। अब मैं इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लूँ। जब हमारा पटल अच्छे, ये प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएगा तब मैं उसमें मसाले डालूँगी। जैसे मैंने हल्दी डाला, लाल मिर्च पाउडर डाली, थोड़ा सा मैं इसमें जीरा पाउडर डाली हूँ और 2 बड़े चम्मच मैं इसमें धनिया पाउडर डाली हूँ। सभी मसालों को मैं इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी और उसके बाद मैं इसे इसी मसाले और प्याज में मैं पटल को भी डाल दूंगी और उसे भी मैं अच्छी तरह से इसमें भूनूंगी। पटल प्याज को अच्छी तरह से मसाले में भून लूंगी। इसके बाद मैंने उस टाइम में थोड़ा नमक डाला है और इस टाइम में भी आप थोड़ा नमक इसमें ऐड करें और उसके बाद फिर मैंने उसे ढक दिया। इधर मैंने 8-10 काजू लिए हैं जिसे मैं पीस के इसका पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए हमारा काजू पीस के रेडी हो गया है। इधर हमारा पट्टल भी अच्छी तरह से गल गया है और ये रेडी हो गया। अब मैं इसमें काजू का पेस्ट जो मैंने पीस के रखा था उसे मैं इसमें डाल दूँगी और हमारा सब्जी को अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। इसके बाद मैं इसमें जो काजू वाले कटोरी थे जिसमें मैंने रखा था पीस के, उसी में मैंने थोड़ा सा पानी लिया है और इसमें मैं डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और मैं फिर इसे 2 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी। यह हमारा पूरी सब्जी अच्छी तरह से गल गया है पक, और हमारा जो ग्रेवी भी है वो पूरी तरह से ड्राई हो गई है। अब मैं, आप चाहे तो इसी तरह खाएं और नहीं तो फिर आप इसमें 1/2 कप के लगभग, जैसे मैंने 2 बड़ा चम्मच इसमें टमाटो केचप डाला है और फिर मैं इसे मिक्स कर दूंगी। आप, मैंने कहा कि ड्राई खाना है तो इतना ही रखें और नहीं तो आप 1/2 कप इसमें दूध ऐड कर दें। उसके बाद मैंने 1/2 कप दूध ऐड किया जो कि इसकी ग्रेवी हल्की बनाएगी और इसका टेस्ट को और बढ़ा देगा। मैं इसे मिक्स करके अच्छी तरह से भून लूंगी। अब इसमें मैं ढेर सारा धनिया का पत्ता जो मैंने बारीक चॉप करके रखा था उसे मैं इसमें डाल दूंगी और अब ये सब्जी रेडी है। हमारा धनिया भी अच्छी तरह से मिल गया है इसमें। अब ये हमारी सब्जी सर्व करने के लिए रेडी है। आप इस सब्जी को रोटी, चपाती या फिर चावल जिसके भी साथ खाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है ये सब्जी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी ये पटल की डिफरेंट तरह की बनी हुई सब्जी। इसे आप इस तरह से सर्व करें और इसका आनंद लें।